हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 4 का यूनिट 13 यानी वॉल्यूम चैप्टर का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊपर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे में एक्सप्लेनेशन। नंबर 1 का ए बी सी डी ई द बेस्ट यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। वॉल्यूम को बेस्ट मापने का जो मेजर है ना दोस्तों, स्फेयर नहीं, क्यूबाइड नहीं, क्यूब यस होगा, स्क्वायर नहीं, तो क्यूब होगा थर्ड। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, एरिया जो मेजर करते हैं ना उसका स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो मेजर करते हैं वो क्यूब में है ना, जैसे 5 क्यूब, 7 क्यूब, 10 क्यूब, तो वो क्यूब में आता है। अगला है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ वन, इस अगर वन एज 1 मीटर है दोस्तों, जानते हैं हम लोग वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि सेम टू सेम है तो 1 × 1 × 1 ही रह जाएगा, और मीटर 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 तो क्यूब मीटर हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ 1 3 मीटर तो होगा नहीं, 1 मीटर यहाँ भी है, 1 s³ 1 ³ ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है दोस्तों। ये अगर हम लोग अगर एरिया निकलने बोलता तो ये आंसर होता, लेकिन वॉल्यूम बोला तो ये होगा, तो 4 हो गया। अगला, लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड। दोस्तों यहाँ क्योंकि हमको सिर्फ ऑप्शन बताना है ना, तो इसमें लैंग्वेज लिखना जरूरत नहीं है ना। जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम होगा नीचे लैंग्वेज बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, लेस देन द ब्रेथ। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है लेंथ कितना दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8, हाइट 2 सेंटीमीटर, लेस देन द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर कम, तो 6 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, 1 जा 48, और ये 0 का 0, तो दोस्तों इतना क्यूब सेंटीमीटर। तो 480 क्यूब सेंटीमीटर, यहाँ 400 सेंटीमीटर दिए वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला। समझ में आया हो दोस्तों? दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारा बच्चा जो है ना सिर्फ 2 भर देगा, 8 10 × 8 × 2 कर देगा, तो 160 ही उसका आ जाएगा, ये वाला मार देगा। ध्यान रखना, यहाँ क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये 8 है तो 2 सेंटीमीटर कम है, तो कितना होगा, 6 होगा, इसलिए 6 भरे हैं, इसलिए नॉकआउट कर दिया यहाँ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आया गलत बना के आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? फुटबॉल, पहले सब ऑप्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। क्रिकेट बॉल बहुत छोटा होता है फुटबॉल से, टेबल टेनिस बॉल इससे भी छोटा होता है, उसके बाद है गोल्फ बॉल। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन है? गोल्फ बॉल यहाँ ऑप्शन बड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, फुटबॉल सबसे बड़ा होगा। तो किस में मारे? डी, फर्स्ट फुटबॉल पैर से मारते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज 1/4 फील वाट साल्ट, द वॉल्यूम ऑफ साल्ट निकालना। दोस्तों क्यूबिकल है ना, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो 10 × 10 × 10, तो 10 × 10 = 100, 1000 हो जाएगा। अब उसका बोलता है 1/4, मतलब इतना बाय 4, तो 4 से डिवाइड करना है, तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, यहाँ होगा 2 0, 4 × 5 = 20, कट गया दोस्तों, और ये 0 बचा था यहाँ, तो 250 हो जाएगा है ना। तो 250 देखते हैं, है 250, 250 दो जगह है दोस्तों, तो क्योंकि ये वॉल्यूम निकल रहे हैं ना, इसलिए SQ नहीं होगा, क्यूब होगा। ध्यान रखना, देखिए यह सब तो जितना भी ऑप्शन बताया सब में सस्पेंशन वाला था, दो दो जगह मेजरमेंट आ रहा है, कि वॉल्यूम दो दोस्तों क्यूब सेंटीमीटर होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के शेयर भी किया दोस्तों, पहले शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन हम मैक्सिमम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो, अपने दोस्तों को बताइए कि देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर में है, मेजर द साइड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड फिल फाइंड देयर वॉल्यूम। मैच बॉक्स 2 नंबर में, योर मैथमेटिक्स बुक्स, शूज बॉक्स और डाइस। दोस्तों आपको मेजर करना है, तो उसका लेंथ कुछ होगा, ब्रेथ कुछ होगा, हाइट कुछ होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, सब में वही है। तो दोस्तों हम तो यहाँ कुछ बता नहीं सकते हैं, आपका मैथ, किसी का मैथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो चलिए ये आप कर लेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, जैसे सपोर्टेड इसका मैं अगर मेजर करना है तो इसको लेंथ, जैसे यहाँ देखिए इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ 15 लिख देंगे। इसका ब्रेथ कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। अब हाइट कितना है, हाइट 3 लिख देंगे है ना। तो इसका जो हम वॉल्यूम लगा बता रहा हूँ कितना हो जाएगा,
15 लेंथ है, सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकालना अगर डायरेक्ट, उसके बाद 5 था ब्रेथ सेंटीमीटर और हाइट था 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 15 × 15 225, 225 सेंटीमीटर 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 क्यूब सेंटीमीटर है ना। इस तरह से होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना। चलिए यहाँ से अब आया 3 नंबर से बनाने वाला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, लेंथ दिया हुआ, चलिए लिखते हैं। अब दोस्तों अब लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लेंथ 9 सेंटीमीटर, बी आर ई ए डी टी एच 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखा हुआ है दोस्तों, क्या होता है लेंथ इंटू हाइट इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोस्तों ध्यान रखना, अब पूरा लिख सकते हैं, लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो 5 3 15, 15 9 135 क्यूब सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद आप नीचे नीचे जैसे ये वाला स्टेप यहाँ उतरना, इस और नीचे उतरना, आगे बता रहा हूँ। अगला है दोस्तों 4 नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, एज दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर। दोस्तों वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है सी यू बी, क्यूबिकल मतलब क्यूब बोला है, इसका होता है एज ए डी जी, एज इंटू ई डी जी, एज इंटू एज। तो एज कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 64, 64 8 512 क्यूब सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अगला बता रहा हूँ, नेक्स्ट है 5 नंबर, विच वन हैज मोर वॉल्यूम। दोस्तों निकालना है पहले, क्या बोला है अ क्यूबॉइड लेंथ दिया हुआ, तो लिख लेते हैं पहले लेंथ टी एच 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी आर ई ए डी टी एच 5 सेंटीमीटर, और एच लिख लेता हूँ दोस्तों, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। ये पहले वाला था उधर का, इसको तो वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना 7 इंटू ब्रेथ 5, हाइट 4। यहाँ सी, यहाँ अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ क्यूब सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले हम लोग 0 बना लेते हैं, 5 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 7 2 14, 140 ना क्यूब सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा एक और बोला है, उसके बाद क्यूब ऑफ एज दिया हुआ है, उसके बाद है एज कितना दिया हुआ दोस्तों 6 सेंटीमीटर। इसलिए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, एज इंटू ई डी जी इंटू ई इंटू ई लिख देता हूँ दोस्तों, पूरा लिख दीजिएगा, एज इंटू एज इंटू एज 6 × 6 × 6 क्यूब सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 6 6 36, 36 256, 16 36 होगा 16 36 216 216 ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। तो 6 6 36 को 6 से 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 और 21 216 आ रहा दोस्तों क्यूब सेंटीमीटर। लेकिन अब दोस्तों यहाँ बोल रहा है किसका ज़्यादा है, इसका 140 ही आया था, इसका 216 है ना, तो किसका ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब का ज़्यादा है। ये एक्स्ट्रा किए दोस्तों हम चेक करने के लिए, सी यू बी क्यूब ऑफ ई डी जी एज 6 सेंटीमीटर, इसका ज़्यादा है, दिक्कत आगे बता रहा। 6 नंबर में द एज ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 6 सेंटीमीटर, तो एज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द बॉक्स फिल्ड विद सैंड, व्हाट इज द वॉल्यूम। पहले तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इक्वल टू एज इंटू एज इंटू एज, पूरा लिख लीजिएगा दोस्तों आप, 6
सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, अभी तो किए थे दोस्तों कितना आया था है ना, 216 है ना क्यूब सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला है दोस्तों, ये तो पूरा वॉल्यूम निकला, हाफ ऑफ द बॉक्स भरा हुआ है ना, यहाँ लिख देंगे 10, हाफ ऑफ द बॉक्स किससे है, इज फील्ड डब्ल्यू आर डी विथ सेंड, हाफ मतलब आधा, 216 डिवाइड ऑफ 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप दोस्तों 2 1 2, उसके बाद 1 नहीं चलेगा तो 0, 2 8 16 इतना क्यूब सेंटीमीटर। दोस्तों आप नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हैं, इतना ही आएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।